गुड स्किन और हेयर की चाह सबको होती है। कई लोग अपने स्किन और हेयर को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो कई लोग स्किन केयर प्रोडक्ट का बिजनेस भी चला रहे हैं। गुजरात की कृष्णा तमालिया बोरा मॉम्स थेरेपी नाम से स्किन केयर प्रोडक्ट का स्टार्टअप चला रही हैं, जिससे वो सालाना 2 करोड़ रुपए का कारोबार भी कर रही हैं। कब और कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत की, आइए कृष्णा से ही जानते हैं। 2009 में मैंने शिफ्ट किया गुजरात से मुंबई। बाल बिगड़ने लगे, स्किन खराब होने लगी, वही टाइम पे मम्मी की याद आती। मम्मी के पास से बनाया हुआ हेयर ऑयल जब भी गुजरात जाती थी लेके आती, तब जाके मैंने मम्मी को पूछा वो नानी वाली हेयर ऑयल की रेसिपी क्या है। मम्मी ने शेयर करी और वही सब जड़ी बूटी और ऑयल को लेने के लिए मैं चली गई बॉम्बे के मार्केट में। जब मैंने पूछा कि मुझे काले तिल का तेल चाहिए, वो लोगों ने पूछा ये काले तिल का तेल क्या होता है, मेरे पास तो सिर्फ तिल का तेल है। तब जाके मुझे आइडिया आया कि लोगों को यहाँ पे नेचर और नेचुरल स्टफ के बारे में आइडिया ही नहीं। 39 साल की कृष्णा अपने ब्रांड में 15 से ज्यादा हर्बल हेयर और स्किन केयर प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। कृष्णा ने साल 2016 में लीगल प्रोफेशन को अलविदा कर मॉम थेरेपी कंपनी को रजिस्टर कराया। इस बिजनेस को लेकर कृष्णा का मेन मोटिव था कि वो लोगों तक हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पहुंचा सके, इसलिए कृष्णा 100% नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल करती है। साथ ही वो लगभग 20 से 22 महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। कृष्णा लीगल एडवाइजर होने के साथ ही अपने खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कृष्णा का क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। बीइंग अ हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन, लीगल में से अपने आप को कम्प्लीटली स्विच करना इनटू अ एंटरप्रेन्योर और इनटू अ बिजनेस, इतना डिफिकल्ट मेंटली तो नहीं था। आई कैन से कि फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड की वजह से आज ये एक जो जर्नी है वो थोड़ा इजी हो गया है मेरे लिए। कृष्णा ने मात्र 25,000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत कर हेयर ऑयल बनाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपने ब्रांड में कई प्रोडक्ट शामिल किए। साथ ही उन्होंने कई जगह स्टॉल लगाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू की। मैंने जब ये जर्नी की शुरुआत करी थी, मैंने कविता मुखी के फार्मर्स मार्केट से शुरुआत करी थी, विच वॉज अ प्लेस जहाँ पे वही कस्टमर्स एवरी संडे आपको विजिट करते हैं। तो वहां से सच में आपको पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट सच में वेदर इट इज वर्किंग फॉर कस्टमर्स और नॉट। तो वो जो कविता मुखी का जो फार्मर्स मार्केट था, विच इज रियली अ ब्लेसिंग टू मी, वही कस्टमर्स मुझे हर संडे मिलते थे। उन लोगों ने बहुत सराहना की है और 100% प्योर प्रोडक्ट है, इसलिए वो 100% इट्स वर्किंग फॉर द पीपल और मुझे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आज अपनी नानी दादी के नुस्खों का इस्तेमाल कर कृष्णा सक्सेसफुल बिजनेस चला रही है, साथ ही लोगों तक स्किन और हेयर केयर के नेचुरल प्रोडक्ट भी पहुंचा रही है। ऐसी और भी पॉजिटिव स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।